महाराष्ट्र में तूफान ताऊते के चलते अब तक 6 लोगों की मौत हुई है और 9 लोग घायल हैं। 4 जानवरों की भी मौत हुई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तूफान के चलते हुए नुकसान कार्यों का जायजा लिया है। उन्होंने तुरंत राहत कार्य तेजी से करने का आदेश दिया है। इस दौरान करीब 13,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन से गिरे हुए पेड़ों, गिरे हुए बिजली के खंभों को तुरंत हटाने और गांव की ओर जाने वाली सड़कों को भी सही करने को कहा है, ताकि यातायात सुचारू हो सके। इस तूफान के चलते पूरे महाराष्ट्र में 2,542 घर ढह गए हैं और 6 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। इसमें ठाणे जिले में 24 घर, पालघर में 4, रायगढ़ में 1784, रत्नागिरी में 61, सिंधुदुर्ग में 536, पुणे में 101, कोल्हापुर में 27 और सतारा में 6 घर शामिल हैं। चक्रवातीय तूफान ताऊते की वजह से महाराष्ट्र और मुंबई के तटीय इलाकों में मौसम खराब है। इस बीच मुंबई से करीब 175 किलोमीटर दूर बॉम्बे हाई फील्ड में सैकड़ों लोग फंस गए हैं। हीरा ऑयल फील्ड के पास एक बहती नाव पर कम से कम 273 लोग फंसे हुए हैं। सभी की जान जोखिम में है। इस बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने कमर कसी है। मौके पर रेस्क्यू के लिए जहाज भेजा गया। चक्रवाती तूफान की वजह से मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक को अगले आदेश तक आवागमन के लिए बंद रखा गया है। बीएमसी ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। चक्रवाती तूफान की वजह से मुंबई में कई इलाकों में सोमवार को भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर तेज हवाओं की वजह से पेड़ गिरे और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास पानी सड़कों पर आ गया।